नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बताएंगे कि जो आपका NTA नेट का एग्ज़ाम हुआ 20 जून को, उसमें क्या चीज़ें नहीं निकल के आई। तो देखिए, ज़्यादा हम बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ दो पॉइंट पे बात करेंगे। पहला कि टाइम ड्यूरेशन, देखिए 3 घंटे का लगातार जो आपका बिना किसी गैप का पेपर हुआ विदाउट ब्रेक, वो आपको जानना है। और 3 घंटे के अंदर कैसे टाइम शेड्यूल तय किया गया, ये आपको जानना है। सेकंड, आपको जानना है कि क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया, उस पर डिस्कस होगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि 3 घंटे का जो विदाउट ब्रेक एग्ज़ाम आपका लिया गया, उसमें अपॉर्चुनिटी आप लोग को ये मिल रही है कि आप लोग का जो फर्स्ट पेपर 1 घंटे का था और सेकेंड पेपर जो 2 घंटे का था, वो विदाउट ब्रेक है। यानी कि पहले पेपर का भी आप क्वेश्चन का आंसर अगले 1 घंटे के बाद जो ड्यूरेशन टाइम स्टार्ट होता है उसमें भी आप दे सकते हैं। यानी कि 150 क्वेश्चन का आंसर आपको पूरे 3 घंटे 3 आवर्स के अंदर आपको दे देना है। इसका कोई लिमिट नहीं है कि 1 घंटे के अंदर आपका 60 क्वेश्चन ही करना है। 60 क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, 50 क्वेश्चन कर पाए, तो 10 क्वेश्चन आप अगले 10-15 मिनट में कर लें, आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। सेकेंड आपका क्या है कि देखिए, न्यू जो टॉपिक है उसको ज़रूर आप लोग देखिएगा, न्यू टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो इतना ही काफ़ी था, और आप लोग को पता ही है फॉर्मेट कैसे है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया है। और आपको पूरा का पूरा प्रीवियस जो एग्ज़ाम का पेपर 1 का था, पूरा हमने ऑनलाइन फॉर्मेट जो होता है वो तो आपको दिखाई दिया। तो कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम दीजिए। कोई चीज़ अल्टीमेट नहीं होता, कोई चीज़ लास्ट नहीं होता, हर एक दिन एक नई शुरुआत होती है, ठीक है। तो एग्ज़ाम दीजिए बिना किसी टेंशन के। तो चलिए, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।